आत्मा विद्युविषयान् प्राश्वभोगान् स्थविष्ठान् पश्चाचन्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वनेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः अभिप्राय यही है
कि एक रिक्चा से सर्वे का कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए आगे जो कैसे ट्रक आया उसके आधार पर बोलते हैं। आज 14 तक पूरा हो गया था, टिकट एक परिषद 14 पूरा हो गया था, आज 15 से शुरू होगा। 15 पे देखिए टीकाकार बोलते हैं सृष्ट्यादि स्तुतिषु शब्द शक्ति वशात एव सृष्ट्यादि भेद दृष्टे अद्वैत अनुपत्ति इति आशंका। सृष्टि आदि स्तुति वाक्यों में सृष्टि और उसके बाद जो कर्म विधान आदि से कह रहे थे तो अलग अलग ज्ञान करके ब्राह्मण क्षेत्र वशु शुद्ध करके अलग अलग कर्म वर्ण और आश्रम को मान्यता देकर फिर अलग अलग कर्म की है वो भिन्नता को दिखाती है। इसलिए सृष्टि आदि स्तुति शिव आदि शक्ति के द्वारा कर्म विभाजन वासनाओं के विभाजन शब्द शक्ति वशा शक्ति वृत्ति से शब्द का जो अंत होता है शक्ति एक होता है शब्द का तात्पर्य एक होता है शक्ति वृत्ति का शब्द संबंध लक्षण शक्ति से जो अर्थ आता है वहाँ पे जब अद्भुत सिद्ध होता है तब उसको लक्षणा के द्वारा अर्थ करना पड़ता है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति बोलते हैं तीन प्रकार के लक्षण है हमारे पास अजहत लक्षण। तो यहाँ पे इस सृष्टि श्रुति की अभिप्राय क्या है देखो इसके पहले मतलब ये जो हमारे पास आया है इसके पहले क्या बोल करके आया था कि आदेश अपने गुरु जी को यह पूछा था जिससे क्या होता है जिस एक तत्व को जानने से सारा नहीं जाना हुआ वस्तु भी जाना हुआ हो जाता है। नहीं सुना मनन किया हुआ वस्तु भी मनन किया हुआ हो जाता है। क्या उस आदेश को आपने गुरु जी से पूछा था तो बोलता हमारे गुरु जी नहीं जानते होंगे इसलिए मेरे को नहीं बोला आगे पिता जी मेरे को बताइए तब जानते प्रतिज्ञा करके बताता है तथा सौम्य एक आज दूसरा श्रुति और में कहते हैं आत्मा से आकाश आदि शांत उपनिषद में एक क्षण करके गर्भि से सुसृष्टि दिखाते हैं मतलब आकार का एक उत्पन्न करके ऐसे उपनिषद में मजे की बात है एक जल जल में से एक पिंड को निकाल करते हैं और उसी से कोई संकल्प संकल्पना है। अलग अलग प्रकार की सृष्टि की बात कही जाती है यहाँ पे एक अलग अलग प्रकार की सृष्टि की बात कही जाती है। इससे सृष्टि में तात्पर्य नहीं है कि ये शुद्ध होते हैं ये सृष्टि में तात्पर्य होते तब हर जगह पे एक ही प्रकार की बात कही जाती है परंतु जो काम एक बार सृष्टि से पहले जो सभी में एक तत्व है वो वहाँ व्यभिचर नहीं है चाहे सर्व रूप से चाहे ब्रह्म रूप से चाहे आत्मा रूप से पुरुष रूप से चाहे किसी भी रूप में कहा उस सब में भिन्नता नहीं यानी कि वो प्रतिपाद्य है और सृष्टि की प्रक्रिया में भिन्न भिन्न तरीके करते हैं उसको अमर अभिष्ट नहीं है सृष्टिकर्ता और एक वेदना ने सर्वेदना को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार की स्तुति अध्यारोप प्रक्रिया को अपनाते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं सृष्टियादि स्तुति शु शब्द शक्ति वशा देखो मतलब शब्द की शक्ति वृद्धि के सामर्थ्य से ही सृष्टियादि भेद दृष्टि सृष्टि आदि में जो भेद दिखाई पड़ता है उसका सिद्ध हो जाने के कारण क्षेत्र भेद सृष्टि अद्वैत अनुभव इसीलिए अद्वैत युक्ति संगत नहीं है ना। अद्वैत अनुभव अद्वैत सिद्धांत युक्ति संगत नहीं है यदि आशंक ऐसा कोई शंका करते उसको उत्तर होता है आपने समझा कि सृष्टि की तात्पर्य किसमें है उसके लिए कोई उत्तर है सृष्टि की तात्पर्य को समझा। यहाँ पे 9 नंबर टिप्पणी जो है पढ़ रहे हैं ना सृष्टि आदि भेद दृष्टि मतलब सृष्टि आकाशादीनाम परस्पर भेद दर्शन सृष्टि में भेद क्या दिखाई दे तो सृष्टि की अलग अलग प्रक्रिया में भेद दिखाई पड़ता है और सृष्टव्य मतलब सृष्टि होने योग्य आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब अलग अलग तत्व है सब भिन्न है उससे बने ही भौतिक वस्तु भी अलग अलग है कोई पहाड़ है कोई नदी है कोई अग्नि है कोई वायु है कोई इस प्रकार के मोन है इसी सब भेद ही दिखाई पड़ता है। सृष्टव्य आकाश आदि न सृष्टि होने यत्न आकाश आदियों का परस्पर भेद दर्शन आपस में भेद दिखाई देने के कारण किसी आदेश के अभिप्रेत अब श्लोक में आते हैं मृलोह विश्वलिंगात गहे मृलोह विश्वलिंगात गहे सृष्टिर्याचो निदान्यथा उपायसोऽवताराय
उवाय सोवताराय नास्ति वेदः कथञ्चन नास्ति वेदः कथञ्चन दुर्लोह विश्वलिङ्गादये सृष्टिर्याचोदितान्यथा उपाय सोवताराय नास्ति वेदः कथञ्चन। हमारे पास छात्र प्रसिद्ध में वृत्ति का लोहा और सोना के दृष्टांत को देकर के कहा है और अपनी विस्फुरिंग का दृष्टांत से कहा गया है युदारणक उपनिषद। ठीक है, इसी प्रकार से सब तत्व से हो अथवा आत्म तत्व से जी इस प्रकार की सृष्टि कहा गया वेद लोह विस्फुरिंग आदि वृत्ति का लोहा अथवा विस्फुरिंग आदि और अपनी विस्फुरिंग आदि के दृष्टांतों के द्वारा है ना दृष्टांतों के द्वारा सृष्टि या चोरिता मतलब च उदिता अन्नता अन्नथा च उदिता जो सृष्टि को कहा गया है भिन्न प्रकार से कहा गया है उसका उसका उद्देश्य क्या है उपाय जो अवतारा है वो एकत्व को प्रतिपादन करने के लिए उपाय है एकत्व को अवतरण करने के लिए उपाय है। नास्ति भेद कथन कहीं भी थोड़ा भी भेद नहीं है किंतु सभी का उपादान कारण एक है चाहे आकार आकृति में भिन्नता दिखाई क्यों ना दे वृत्ति का वही है वृत्ति का इन देव सूत्र मधारण के सूत्र करके कहा गया इसलिए बोलता है वेद लोह विस्फुरित आते भिन्न भिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न प्रकार के सृष्टि के प्रकार दिखाए गए हैं कहीं पर वृत्ति का दृष्टांत दे करके कहीं पर लोहा पे कहीं पर सोना के इस प्रकार कहीं जल से इस प्रकार की बात होती है और जिसे विस्फुरित का निकाल इस प्रकार दिखाया गया है सृष्टि या अन्यथा च उदिता च अन्यथा उदिता मतलब भिन्न प्रकार से जो कहा गया अलग अलग प्रकार उदिता उदिता है ना बहुत धन से बनता है उदिता उपाय सो अवतारा यह मतलब वो जो है हमारे लिए उपाय हो गया इसके लिए अवतरण करने के लिए समझाने के लिए क्या समझाने के लिए एकत्र को समझाने के लिए ना वास्तविक नास्ति भेद कथन जनम का थोड़ा भेद की प्रतीति होने पर भी वास्तविक मूल तत्व में कोई भेद नहीं है इसके ऊपर एक नंबर की टिप्पणी मूल में दिखाई है उसको देखिए वेद लोह इत्यादि श्लोक व्याख्यानांतर इस श्लोक का एक व्याख्यानांतर अपने आप लंडिका का शब्द करेंगे टिप्पणी का बोलते हैं ये अन्यथा से क्या कहना चाहते हैं वेद लोह इत्यादि श्लोक व्याख्यानांतर इस श्लोक का इस प्रकार से समझ सकते हैं वेद लोह विस्फुलिंगादि दृष्टांत उपन्यास ही ठीक है ना मृत्तिका लोहा जो अग्नि विस्फुलिंगादि दृष्टांतों के द्वारा रखा गया है जो वस्तु को कह रहा है उपन्यासित सृष्टि इसके माध्यम से जो सृष्टि को कहा गया वेद लोह विस्फुलिंगादि दृष्टांत उपन्यासित मतलब वेद लोह विस्फुलिंग दृष्टांत का आत्मन बना करके जहाँ सृष्टि अन्यथा उदिता प्रकाशित श्रुता जिस सृष्टि के बारे में श्रुति के द्वारा उदिता मतलब प्रकाशित कथित है ना जिस सृष्टि के बारे में कथन किया गया है अन्यथा मतलब भिन्न प्रकार से कथन किया अंत तत्व बोले जाना ठीक है वेद लोह विस्फुलिंगादि दृष्टांत उपन्यास वृत्ति का लोहा विस्फुलिंगादि दृष्टांत के माध्यम बना करके जहाँ सृष्टि अन्यथा उदिता जिस सृष्टि को यहाँ पे भिन्न प्रकार से कथन किया गया उदिता मतलब प्रकाशित उसके द्वारा श्रुतिया श्रुति के प्रकाशित किया गया सृष्टि अन्यथा प्रकाशनम चेना इस सृष्टि की अन्यथा प्रकाशन के पीछे दो भाव है दो अभिप्राय बैठा है दो क्या होता है क्रम अक्रम गुणक्रमादि रूपेण एवं एक हो गया अन्यथा का कहीं पर क्रम से उत्पत्ति लिखा है कहीं पर अक्रम से उत्पत्ति लिखा है कहीं पर अचानक उत्पत्ति लिखा है एक ये दिखाना चाहता है इससे क्या दिखाना चाहता है कि सृष्टि में तात्पर्य नहीं है और अपरम च सृष्टव्य घटादि कार्याणाम उपादान मृदादि अव्यतिरेक न प्रकाशन आपके ध्यान देना मुख्य रूप से ये जो सृष्टव्य वस्तु क्या है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी अपने उपादान से कभी भी भिन्न नहीं हो सकता ये समझने के लिए बोलते हैं अपर अभुष्टा अन्यथा भाग क्या मिला सृष्टव्य इस प्रकार सृष्टि होने योग्य घटादि कार्याना घट हो पट हो मट हो जो कार्यों का उपादान मृदादि
अव्यतिरेकेण प्रकाशनम् कभी भी प्रकाशित होगा, मृत्तिका से अभिन्न होकर भी प्रकाशित होगा। यह सृष्टि के पीछे तक तात्पर्य है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी यदि आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, परंतु सृष्टि का जो मूल उपादान सच्चिदानंद उससे अभिन्न होकर ही दिखाई देगा, यानी सच्चिदानंद उसी का अंदर से अभिन्न होगा। इसलिए आपका अन्न शब्द प्रयोग किया है, ठीक है, समझ में आइए। अब अन्नवादी कौन, न्याय दर्शन में वो आरंभवादी है, तात्विक कारण से बिल्कुल भिन्न है, नया वस्तु उत्पन्न होता है ऐसा मान पता है वो नया वस्तु निकल होगा। जब शांत तो सत्कार्यवादी है, परंतु वो कार्य को सत्य मानता है और वेदांति कारण को सत्य, दोनों सत्कार्यवादी है। कार्य कारण में, कारण में कार्य रूप में विद्यमान रहते हैं ऐसा न्याय शांको योग दर्शन भी कहना है। तभी जाकर के कारण की व्यापार जो है कार्य को उत्खनन करने के संभव है, ऐसा उनकी कहना है। वेदांति बोलता है कार्य कारण में कारण रूप से कहता है, तभी जाकर के कुम्हार की व्यापार सफल हो जाएगा, यदि कार्य रूप में रहता तो अपने आप ही देखेंगे, वो तो ऐसा दोनों बाकी नहीं, ये भिन्न है। और न्याय दोषाशी का संख्या बोलते हैं कार्य सर्वथा कारण से भिन्न है, कि आरंभवादी नया वस्तु उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत को विरोध करने के लिए तभी जाकर कौन से सिद्धांत, इसलिए बोलते हैं कार्य कार्य में बना तो कारणात्मक, ठीक है, एक एक बाकी की सिद्धांत है। वो ये कहते हैं नहीं कृतार्थ कृतार्थ क्रिया दधि शांता इति लोक निश्चय, लोक में ये निश्चय नहीं है क्या, भिजरूपी कार्य पदार्थ दूध से उत्पन्न होता है ये अनेक व्यक्ति निश्चय नहीं कर पाता है। वेदांत तो करते करते आपको सुनते सुनता सामान्य व्यक्ति वेदांत करते वो एक नए दर्शन में कार्य के भिन्न वस्तु माना तो भी दूसरे भिन्न वस्तु है, भिन्न भिन्न ऐसा उनके मानना था। तद अन्यथत्व में इस इन दोनों का जो भिन्न रूप, भिन्न रूप क्या है, ये दोनों सिद्धांत का भिन्न रूप है कि कार्य कारण से कभी भी भिन्न नहीं है, इसको बोलते हैं तद अन्यथत्वम। क्या है कार्य कारण अभिन्न, ये कार्य कभी भी अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकते, कभी भी अपने कारण को नहीं। इस प्रकार कोई कहता है कि तंतु हमारा है पट तुम्हारा है, मैं अपना तंतु ले जाऊँगा तुम अपना पट पहन के दिखो कपड़ा पहन के दिखो, हो सकता है नहीं कह सकते, हो नहीं सकता। तो इसीलिए आगे बोलते हैं कि ये अन्यथा भाग है, तब अन्यथत्व के कार्य कारण अभिन्न विधि तत्र आगे कह दी मैं तत्र तत्र प्रथमम करियो एक मकर और लगे प्रथमम अन्यथत्व, पहला जो भिन्न रूप से देखा जाए अन्यथत्व मतलब भिन्न रूप से संभव होना, प्रथमम अन्यथत्व सृष्टि विस्फुलिंगादि दृष्टि उदितम श्रुत्वा, सृष्टि को कैसे दिखाया विस्फुलिंगादि दृष्टांत के द्वारा दिखाया। ये मान लीजिए यहाँ से अंगा विस्फुलिंगा अग्नि चिंगारी जो भी कुछ आपको उत्पन्न होगा कब होगा, इसी लकड़ी को जब आप ईंधन के द्वारा इसमें इतना अग्नि है इसी ईंधन के माध्यम से इसके अंदर जब अग्नि अभिव्यक्त होगा तो इसी लकड़ी के अंदर विद्यमान चिंगारी अंगा जो भी आम सब इसी के अंदर विद्यमान है। इससे क्या दिखाना चाहते हैं, इसी के अंदर विद्यमान होते हुए अभिव्यक्त होते समय ये अलग अलग रूप में प्रतिदि होती है, अलग अलग रूप में जिसमें बोलते हैं यहाँ पे प्रथमम अन्यथत्वम सृष्टि विस्फुलिंग आदि दृष्टि दृष्टांति उदितम श्रुत्या है ना, मतलब कथन किया गया श्रुति के द्वारा। और मृद लोहादि दृष्टांति अपरम, दृष्टा किसके दृष्टांत के द्वारा, मृत्तिका लोहादि दृष्टांत के द्वारा अपरम, मृत्तिका लोहा आदि दृष्टांत के आपको पता लगता है क्या पता लगता है कि मृत्तिका से घड़ा बना, इसलिए घड़ा मृत्तिका से भिन्न नहीं था, परंतु वो अग्नि विस्फुलिंग में ये मतलब विस्फुलिंग भी अग्नि स्वरूप है और इसके उतना ही पोटेंशियलिटी है जितना आत्म है, ये समझना कठिन था। इसलिए श्रुति वहाँ पे बोलते हैं नहीं नहीं इसके अंदर भी वही सामर्थ्य, प्रत्येक जीव के अंदर वही सामर्थ्य, सच्चिदानंद पूर्ण है उसको बांटना, दृष्टांत में भिन्नता है क्या भिन्नता, अग्नि से स्फुलिंग को कभी अलग करके आप देख सकते हैं कि लगता है कि अलग करके निकला और उसी विद्यमान के ही, परंतु एक सच्चिदानंद से अलग करके कुछ देखा जाएगा तो हमारा संभव भी नहीं होता, पूर्ण व्यापक है सिद्धांत भी कर जाएगा तो पूर्ण व्यापक है। इसलिए बोलते हैं तब प्रथम अन्यथत्वम सृष्टि पुष्पलिंग आदि दृष्टांत उदितम श्रुता और मृल्लोहादि दृष्टांत अपरमिति। अब क्या कहना चाहते हैं, मृल्लोहादि दृष्टांत
मृत्तिका लोहादि दृष्टांत के द्वारा ये दो प्रकार के अन्नथत्वम कथितम सृष्टि के बारे में श्रुति के द्वारा प्रकाशन प्रकार वो दोनों प्रकार के जो अन्न तत्व प्रकाशन प्रकार श्रुति तात्पर्य अभाव निश्चय पुरस्सरम उपादेय उपादान अभिन्न निश्चय उत्पादन द्वारा जीव परमात्मा ऐक्य बुद्धि अवतार उपाय अस्माकम इति अर्थ ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, स विविधो अपि अन्नथा तो प्रकाशन प्रकार, दो प्रकार के अन्नथा प्रकाशन मतलब भेद के लिए नहीं, एकत्व को प्रकाशित करने के लिए दृष्टांति अन्नथा प्रकाशन। तो ये स विविध अपि अन्नथा प्रति मतलब एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा उपर संभव होगा कि जब कार्य समय हमेशा कारण से अभिन्न ही होगा, और दोनों यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। स विविधम अपि अन्नथा प्रकाशन प्रकार सृष्टो सृष्टि के विषय में श्रुति तात्पर्य अभाव निश्चय प्रचार, श्रुति की तात्पर्य की अभाव निश्चय मतलब निश्चय की अभाव ठीक है ना, श्रुति तात्पर्य निश्चय की अभाव के कारण ऐसा भेद दिखाई पड़ता है, उसके तात्पर्य को भी सामने रखें। पुरुष उपादेय उपादान अभिन्न मिति ठीक है ना, श्रुति तात्पर्य अभाव निश्चय पुरुष मतलब आपको भेद दिखाई देगा, परंतु जब आपको तात्पर्य निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, उपादेय उपादान उपादेय हो गया कार्य उपादान हो गया कारण है ना, अभिन्न इति निश्चय उत्पादन द्वारा इस निश्चय को उत्पादन के माध्यम से जीव परमात्मा ऐक्य बुद्धि अवतार होगा, जीव और परमात्मा की अभिन्नता की बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए ये उपाय बनाना शुरू किया। क्या उपाय बनाया, सृष्टि रूपी उपाय को बनाया, क्यों बनाया, जीव अजीव और परमात्मा की एकत्व को सृष्टि दिखाने के लिए। कैसा दृष्टांत दिया था, ये जो मृत्तिका और मृत्तिका से बना हुआ भरा सकोरा आदि, इसमें बोलते हैं कि पुरुषरम उपादेय उपादान अभिन्न मिति, उसको सामने रखकर सृष्टि के तात्पर्य की निश्चय करके उसका जो है उपादान उपादो अभिन्न मिति निश्चय निश्चय उत्पादन द्वारा, इस प्रकार निश्चय उत्पादन पहले आपका निश्चय नहीं था, परंतु निश्चय उत्पन्न द्वारा जीव परमात्मा ऐक्य बुद्धि जीव परमात्मा में एकत्व बुद्धि अवतार उपाय एकत्व की बुद्धि को अवतरण करने के लिए एक उपाय अपने सूची, क्या उपाय अपने कि अध्यारोप प्रक्रिया को अपने हमारी प्रक्रिया अत्र च मृल्लुः विस्फुलिङ्गे विस्फुलिङ्ग इति दृष्टान्त द्वैविध द्वैविध अनुरुद्ध अन्यथा शब्द प्रकार सहकारेण अर्थ दैविध्ये पर्याप्त इति। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, अत्र च मृल्लुः और विस्फुलिङ्ग की जो दृष्टान्त दिया गया है, दृष्टान्त द्वैविध दो प्रकार से दिखाने के लिए मतलब सृष्टि से पहले सब विष्णु विष्णु के पास सृष्टि से पहले सब एक ही जगह में विद्यमान थे और उसी से अभिव्यक्त हुआ, और फिर जो अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है वो क्या है, अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता, ये दोनों निश्चय करने के लिए बोलते हैं कि विष्णुलिंग दृष्टान्त द्वैविध अनुरुद्ध अन्यथा शब्द चकार सहकार एक अन्यथा के साथ एक चौपद आया हुआ देखा आपने, सृष्टि जात उदिता च अन्यथा चोरिता यहाँ पे या फिर च अन्यथा कथिता प्रकाशिता चकार के रंग को दिखाया जाए दोनों को आपको क्या दैविध्य पर्याप्त जो दो प्रकार के भिन्न उपाय को समझाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। क्या दो प्रकार की सृष्टि क्यों कहना चाहते हैं, एक सृष्टि से पहले सब एक ही जगह के विद्यमान, इसलिए जब एक ही जगह में विद्वान था वहीं से निकला हुआ तो उस वही स्वरूप है, और वो वही स्वरूप उसको समझाने के लिए फिर क्या उपाय अपनाया, वो वृत्ति और वृत्ति का कार्यकरण था। सृष्टि से पहले हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, सब सदैव स्वयं तमाम प्रयासित आत्मा वैदमा प्रयासित, इसी प्रकार अग्नि विस्फोलिंग चिंता ये सब जहाँ था उस व्यक्ति में विद्वान था, इसलिए एक था व्यक्ति एक ही दिखाई दे रहा है, उससे अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है, ये इसके लिए फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है कि वो जो कार्य कारण से कभी भिन्न नहीं हो सकता, इसके लिए क्या दृष्टान को दिया, उन्हें कार्य को रूप में दिखा व्यक्ति का ही कार्य को अथवा सुवर्ण अथवा लोहा, वहाँ पे क्या होता है कि तीन दृष्टान को दिया व्यक्ति का एक बार टूट जाने पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे सृष्टि में क्या होता है
उपादान तो वही रहता है, है ना, उपादान तो ही रहता है, बाकी अपने वहाँ पे जो प्रकार में भिन्नता हो जाता है, मतलब जीव के अपने अपने कर्म का अनुसार फल वही है, ब्रह्मा जी के पास, इंद्र के पास, जो भी है इसमें, जो भी है इसमें, फिर परंतु क्या होता है उसको दोबारा बनने के लिए, मृत्यु का जैसा टूट गया उसको दोबारा बनने के लिए आपको उसी मृत्यु का से अनेक, परंतु आपको लोहा अथवा सुवर्ण से बना हुआ एक ऑर्नामेंट उसको तुरंत निकल कर दूसरा रूप दे सकते, लेकिन वहाँ पे मृत्यु का लोहा और क्या दिया आपका मृत्य सोना विशेष कवि सामान्य को छोड़ करके नहीं रह सकते, विशेष कवि सामान्य को छोड़ करके नहीं रह सकते, उसको समझाने के लिए वाद्यजन के दृष्टांत दिया, बीना शंख और दुंदुभी, तीन दृष्टांत देकर कौन को समझे, मतलब अलग अलग प्रकार की आवाज होने पर भी अलग अलग प्रकार की, परंतु प्रत्येक वाद्यजंत्र की बजाने के ढंग अलग अलग, शब्द भी अलग अलग, परंतु उसके अंदर मूल आकाश पर आकाश के बिना वहाँ पर आवाज होना संभव नहीं, तीन दृष्टांत द्वारा उसने क्या दिखाया कि शाम कोई भी विशेष सब सामान्य को छोड़ करके नहीं रह सकता कभी, है ना, जिस प्रकार की भी किसी भी वाद्ययंत्र में आपको देखना वीर रस हो करुण रस हो अलग अलग प्रकार की बात, परंतु उस वाद्ययंत्र का जो फंडामेंटल जो सारे गा मा उसको छोड़ करके कोई नहीं बजा सकता, ठीक इसी प्रकार से आकाश रूप में दिखाई दे, वायु रूप में दिखाई दे, चाहे तेज रूप में दिखाई दे, वो सामान्य सच्चिदानंद है सब रूप में स्मरण होना, इसको छोड़ करके कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं हो सकता, विशेष अभिव्यक्त नहीं हो सकता सामान्य को छोड़ करके, इसी प्रकार यहाँ भी क्या कहना चाहते हैं कि मृलो विष्णु दृष्टान्त दैवित अनुरोधा अनुरुद्ध अन्यथा शब्द छकार सहकार सहकार अर्थ दैवित पर्याप्त, दो प्रकार के अर्थ को समझाएंगे पर्याप्त हो जाता है, यद्यपि देखिए यद्यपि मृदादि श्रुति न ब्रवीत उपादान उपादायोर अभेदा, क्या वहाँ पे मृत्यु का वहाँ पे क्या बोलती है क्या श्रुति, ये देखो यह शब्द नहीं मिलता मृतिका की कार्य मृतिका स्वाभिन्न ऐसा श्रुति होगा नहीं है, तथा एक विज्ञान सर्वन इतना शब्द कहा आपने शब्द से नहीं कहा कि मृतिका और मृत्य के विकार का अभिन्न ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया, तब तो समझ में आता है यद्यपि मृदादि श्रुति मृतिका की श्रुति न प्रवृति ये नहीं कहती उपादान उपाधेयो अभेद कार्य कारण अभिन्नता मुख तो अपने शब्दों के द्वारा नहीं कहती, तथापि ज्ञात ब्रुमाना उपादेय उपादान ज्ञातः तात्पर्यतः तत् भक्ति, फिर भी जो है क्या होता है जाना जाता है उस प्रकार ही कथन कर रहा है जितना कहा इतने के द्वारा ही हमको जाना जाता है, ब्रुमाना उपादेय उपादान ज्ञात उपादान अब उपादेय इससे ये वस्तु बना, ये हो गया उपादान और ये हो गया कार्य उपादेय, इससे ये वस्तु बना, यह कार्य गलत है इससे ये वस्तु बना, इसके इसकी ज्ञान मात्र से क्या होगा कि जो उपादेयात्मक वस्तु है वो अपने कारण से भिन्न नहीं है, ये अपने आर्थिक अर्थसार है, इसलिए बोलता है भगवान उपादान उपादेय ज्ञान तो तात्पर्य था उसका अभिप्रेत अर्थम भक्ति क्यों नहीं घट ज्ञान पटादेय ज्ञान था, उससे क्या होता है यदि आपको घट ज्ञान होगा तो उससे आपको पट का बोध नहीं होगा, घट ज्ञान होगा तो घट को उपादान का बोध होगा, घट कहाँ से बोध होगा पट ज्ञान नहीं होगा, पट ज्ञान की ज्ञान नहीं होगा, घट ज्ञान से घट का उपादान संबंधित बोध होता है, इसलिए वृत्ति का भी दृष्टान्त विकार को दिखा करके उपादान का बोध होगा, इसी प्रकार आकाश परि अग्निगत दृष्टान्त द्वारा उसका मूल कारण उस सत्य घट ज्ञान पटे ज्ञान तथा न ही घट ज्ञानम पटे ज्ञान तथा प्रयोजन की मतलब इसका कारण नहीं बनता कि घट ज्ञान पट में ज्ञान तथा नहीं डाल देता, जब तक आप बोलेंगे कि वहाँ पे मुंह से नहीं बोला परंतु एक शब्द श्रुति आगे और बोलती है, क्या बोलती है कि वाचारम्भ विकारो नाम मृतिका इत्येव सत्यम, मतलब जो कार्य रूप में वस्तु दिखाई दे रहा है नाम रूप वो कोई विकार मात्र है, नाम मात्र है, वहाँ पे पारमार्थिक सत्य नहीं है, कारण ही पारमार्थिक सत्य वस्तु है, यही उसको श्रुति के आपके शब्दों से करना है, मुख का विवाह वाचारम्भ इत्यादि अंशतः
अथवा अपने शब्द से मतलब आचारण दिखा है, इससे जो है इस अंश का प्रतिपादन करते हैं क्या कार्य में पारमार्थिक शब्द वस्तु नहीं है, कारण ही पारमार्थिक शब्द वस्तु। यहाँ पे उपाय अवतार है, इसके लिए उपाय कि एक एक ज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए श्रुति जब वहाँ पे दृष्टांत दी है वहाँ पे क्या ध्यान से दे एक एक तत्व ये मूल तत्व ही सारा यहाँ पे विवर्त परिणाम बात को लेकर के समझाते हैं, परंतु वो विवर्त को हमको वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार एक पूर्ण व्यापक नील अवयव तत्व में परिणाम होना संभव नहीं है। व्यापक नील अवयव तत्व में कभी भी परिणाम होना संभव नहीं है, परिच्छिन्न में परिणाम होना सावय परिच्छिन्न वस्तु में परिणाम होना संभव है। जगत की उपादान के रूप में आपने नील अवय व्यापक तत्व को दिखाए तो उन्हें परिणाम होना संभव नहीं है, इसलिए परंतु उसी को जगत को उपादान कारण माना तो हम विवर्त उपादान मानते हैं, विवर्त उपादान मानते हो गया समय ज्योतिता उदिता मतलब कभी था प्रकाशित अच्छा अन्न था भिन्न प्रकाश के दो तत्व को मुख्य रूप से समझाने के लिए यहाँ पे उपाय अवधारय एक उपाय अवलंबन किया, सूर्य एक उपाय को अपनाया इसलिए उस मूल तत्व को ज्ञान कराने के लिए वेदांत में सदा हर जगह के कथा कुछ होते हैं पर उसका तात्पर्य कुछ अंदर जगह नहीं होते। पंचदश में कथा था एक बच्चे का डर था न्यूनम कोई वस्तु बचपन से माँ बाप डराते थे बाहर बच्चों और बाहर बच्चों वहाँ भूत भूत है वहाँ भूत है, बड़ा हो गया बच्चे का तो वही डर बैठा हुआ है। अब जो है अब कुछ कुछ निमित्त को लेकर तो कहें आप क्या देखा कि आप उसको हटाना है तब क्या कहता है एक दिन अंधेरा की रात में प्लानिंग करके एक भूत बनाता है विकराल मूर्ति बनाता है फिर नीचे ले जाते बच्चा के सामने उसको मार डालते हैं डरा देते हैं तो भूल गया उसके मन से भूल गया। ऐसे उपाय अवतार है सृष्टि को बनाया और धर्म प्रक्रिया से फिर आपने उसको छेद करके तब जब ही पढ़ना है कि एक स्पष्ट हो जाता है, इसलिए भेद पारमार्थिक नहीं है नष्ट भेद प्रतिपादन करना चाहती है उत्पत्ति आदि स्तुति नाम उत्पत्ति आदि स्तुतियों का स्वार्थ निष्ठतम उपेत वो अपने विशिष्ट जो सत्यनिधि से जो अर्थ आता है उसी को प्रतिपादन करने का इच्छा रखता है, इसको मन में रख करके जो उससे जो संकल्प बनायावर्तम जो इस प्रकार भावना को मन में रख करके जो निराकरण करने की जो शंका है व्यावर्तम ज्योतम उत्थापयति उसको उत्थापन करते हैं भगवान आकाश्यम ननु यदि उत्पत्ति प्राग अयम सर्वम एकम एव अद्वितीयम तथापि उत्पत्तिर्ऊर्ध्वं जातमिदं सर्वं जीवाश्च भिन्नमिति मणि की बात है। देखिए भगवान जी का चतुर्थ अध्याय भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं बहुनि मे व्यतिकानि जन्मानि तव जर्जिन तन्नाम वेद सर्वानि नत्थं वित्त परिवर्तन भगवान बोलते हैं ना अर्जुन तुम्हारा भी अनेक जन्म हुआ मेरा भी अनेक जन्म हुआ। ठीक उसका अगले श्लोक में बोलते अजो भीषण भूतानां भूतानां भगवान भूल जाते हैं क्या एक तरफ बोल रहा मेरा अनंत जन्म हुआ तुम्हारा अगला श्लोक में ठीक अगला श्लोक क्या बोलता है मैं जन्म नहीं कोई बात है मतलब लोग क्यों नहीं घबराएंगे गीता पर एक ही व्यक्ति एक ही समय एक श्लोक फल जो नौ मंथन में देखा सारा भूत मुझ में मुझे कुछ नहीं ऐसा जो विरुद्ध कथा होता है मतलब सामान्य व्यक्ति घबरा देते हैं कि तात्पर्य नहीं समझ पाते तात्पर्य नहीं समझ पाते कभी बुरा किया है लेकिन अर्जुन प्रश्न किया ये देखो कैसे समझ में आए आपने छोटे देवता के किस शरीर में उड़े थे इस शरीर से अथवा अन्य शरीर से अन्य शरीर में होगा तो आपको याद रखना संभव नहीं कोई व्यक्ति अपना पूर्व जन्म भी याद नहीं रखता तो शुक्र नंजन का वो आप कैसे याद रख सकते आज यदि इस शरीर से है तब तो होना संभव ही नहीं है क्योंकि हमने तो देखा कि सूर्य कितना पहले आपका भी इस प्रकार की संत भगवान के जो परिच्छिन्न तो भगवान असर्वज्ञ संत का निराकरण करने के लिए मतलब जन्म को वहाँ भी इस प्रकार का किसी को यहाँ भी देखिए बोलते हैं कि जब यदि उत्पत्ति प्राप्त अजम सर्वम आपने क्या बोला कि सब जन्म रहित है उत्पत्ति से पहले अभी भी जन्म रहित उत्पत्ति कैसे होगा
जन्म रहित उत्पत्ति कैसे होगा? भजन सर्गम एकम एव अद्वितीय मान्यता में सजातीय विजातीय सर्गत भेद से रही एक ही तत्व है तथा उत्पत्ति तो फिर भी उत्पत्ति के बाद जो है क्या हो जाएगा ऊर्धम जातम इदम सर्वे सबको पैदा हो गया जीवस्य भिन्न और जीव अलग अलग है ये शंकावादी बोल रहे हैं। इसीलिए उत्पत्ति से पहले तो एक है। इस प्रकार मृत्यु का अनेक हरादी रूप में कुल लगाने रूप में बदलने से पहले तो एक है परंतु बाद में सब अलग अलग हो जाता है। सब कुछ इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही हुआ ये पूर्ववादी कहना है। यहाँ ये सबसे भिन्न है। प्रत्येक जीव अलग अलग है। प्रत्येक जीव अलग अलग भिन्न दीदी इस प्रकार से पूर्ववादी शंका है। तो सिद्धांत बोले तो भाई वहां पर देखे पांच नंबर की टिप्पणी दिखाई पड़ रही ठीक है। पांच नंबर की टिप्पणी क्या बोले हैं यदि शब्द का अर्थ करें यद्यपि अर्थ इस छह नंबर की टिप्पणी मतलब प्रथम उपपद्यते अद्वैतम है ना। आपने पहले जन्म रहित बोला जन्म के बाद सारा अलग 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 भिन्न दिखाई पड़ता है तो अद्वैत तो कैसे सिद्ध हो सकता है तो सारा भेद दिखाई प्रथम अद्वैत जोड़ना पड़ता है। अब देखिए टीकाकार बोलते हैं ताशा स्वार्थनिष्ठ अभाव है ना। आप बताइए भगवान की कौन सा रूप आप सही मानेगा बहुनी में गति मान्यता होता है ना अथवा अजो की क्षणा प्रयत्न भूटा ना मुझे किसमें तात्पर्य मानेंगे इसके सिवा हमारे पास रास्ता नहीं है क्योंकि आपने बोला कि निष्प्रय गुण भगवान के निष्प्रय गुण होना और कोई स्थिति को जानना तो यदि वो निष्प्रय गुण कोई भाव नहीं रहता जन्म गुण तो जन्म तो गुण के कारण होता है यदि वो नहीं होता मतलब निष्क्रय पूर्ण भाव एक जन्म रहित भाव नहीं होता तो हमारे पक्ष सारा सिद्धांत बेकार हो जाए। एक ही जगह पे देखिए मतलब शब्द हर जगह पे ही शंका होगा कि एक ही व्यक्ति एक ही जगह पे कारों का अलग अलग होता शुरू करता है कि जन्म रहित बाद में बोलते हैं कि उत्पत्ति भी यानी कि दोनों में से कोई एक पारमार्थिक है और कोई प्रतिभाषिक है। अब किसको पारमार्थिक लेंगे किसको प्रतिभाषिक लेंगे क्योंकि एकत्र ज्ञान को स्तुति की गई है और भेद ज्ञान को निंदा की गई है और भेद ज्ञान अन्य प्रमाण से प्रति जो जाना जाना जाता है एकत्र प्रमाण शास्त्रीय प्रमाण से जाना इसलिए उसमें शास्त्रीय एकत्र बोध कर ताशाम स्वार्थ निष्ठत्व अभाव ताशाम स्तुति नाम ताशाम है ये संस्कृत शब्द का रूप है इसका तत्शब्द देखिए त्यागादी नाम अला है ना दी को पहले दुआ हो जाता है फिर स्त्रीलिंग को मैं प्रयोग करके आकार आता है तथा काफी काली मध्यता अष्टी आमी सर्वनाम शुभ छोटा नाम होता है दताशाम नाम आ गया दताशाम सार्थ निष्ठत्व अभाव अब जिस अर्थ को प्रतिपादन किया मतलब बच्चा हो जाए वहाँ पर उसका निष्ठा नहीं है वाच्यार्थ में निष्ठा के अभाव होने के कारण स्व अर्थ मतलब वाच्यार्थ निष्ठा अभाव निरअवकाश संचोत्तम आपका इस वहाँ पे दोनों जगह पे यदि आप वाच्यार्थ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको विरोध दिखाई देगा ही देगा। इसलिए आसाम सृष्टि श्रुति नाम सार्थ निष्ठत्व अभाव मतलब उस श्रुति वाक्यों का जो वाच्यर्थ है उसमें उसका निष्ठा के अभाव है उसको प्रतिपादन करने का अभाव अवकाश संचलता इस प्रकार की शंका की अवकाश ही नहीं है। इस प्रकार की शंका की अवकाश ही नहीं है जो तकी परिहार जिसको मन में रखते परिहार करते हैं मैगम आपका ये शंका युक्ति संगत नहीं है। क्यों आगे और बोल रहे देखिए अन्य अर्थत्वात् उत्पत्ति श्रुति नाम
उत्पत्ति श्रुतियों की उपयोगिता तात्पर्य कुछ भिन्न विषय में है, एकत्र प्रतिपादन में है। ये बोलते हैं अन्नार्थत्वात् उत्पत्ति श्रुतिनाम भिन्न विषय के बोधक होने के कारण उपयोगिता होने कारण सृष्टि श्रुतियों का। सात नंबर टिप्पणी देखिए, बोलते अन्नार्थत्वात् निषेध समार्पकतया अद्वैत स्तुति शेषत्वा, है ना। मतलब जो उपाय में जो भेद दिखाई पड़ रहा है उस भेद को निषेध करके, तो आगे तक सुबह अपने आप निषेध करते थे अथा तो आदेश परमस्ती, है ना। इस प्रकार से यदि मेरा निषेध समार्पकतया जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो आपको सामने नाम रूप आत्मा कार्य दिखाई दे रहा है, वो सृष्टि स्थिति का उसको निषेध करने में समर्पित है। निषेध करने योग्य जो वस्तु है नाम रूपात्मक जगत, उसी को समय को निषेध करने में समर्पित होने के कारण अद्वैत स्तुति शेषत्ता को अद्वैत स्तुति का अंग बन जाता है। कौन? सृष्टि स्तुति। सृष्टि स्तुति अद्वैत बोधक का अंग बन जाता है। अंगी तो मुख्य चीज है अद्वैत का बोधक, ये इसका भी पूर्वम अपि परिहित एव अयम दोष। इसके पहले भी हमने इस दोष को निराकरण करके आया। कैसे किया गया? इस प्रकार से उपाधि की उत्पत्ति होने पर घटाकाश की उत्पत्ति से महाकाश की उत्पत्ति हुई, जैसा है ना, घट की घट रूपी उपाधि का उत्पन्न होने पर जैसे घटाकाश की उत्पत्ति दिखाई पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से एक शरीर उत्पन्न होने पर जीव की उत्पत्ति हुई जैसा प्रतीति होती है। इसी यहाँ पे बोलते हैं पूर्वम अपि परिहित एव अयम दोष। पहले कि इसके पहले इस दोष को परिहार कर आया। आठ नंबर टिप्पणी दोष है श्रुति विरोधी, यदि श्रुति विरोध दोष तो आपने दे रहा है कि पहले भी हमने निराकरण कर पाया। पहले कैसे निराकरण किया? बोलते हैं मैं अभी टीका को छोड़ रहा हूँ, तो भाष्य को पहले देखिए, भाष्य से कितना समय बिताता है फिर तुलना में आएंगे। स्वप्नवत आत्ममाया विसर्जिता संघाता, है ना। स्वप्न में जैसे स्वप्न दोष का पुरुष अपने ही वासनाओं के अनुसार सारा सृष्टि को करके अलग अलग शरीर को बनाकर एक वहाँ पर सुखी दुखी होता रहता है, जो कि स्वप्न पर दृष्टान देता है। क्या है हमारे पास? एक मत तो स्वप्न दोष का पुरुष फिर कुछ है, साथ में उनकी वासना देखते हैं। इसलिए बोलते हैं स्वप्नवत आत्म माया विसर्जित, अपने ही माया से अभिव्यक्त विसर्जित मतलब प्रोजेक्ट हो रहा है, अपने ही माया से प्रोजेक्ट हो रहा है। एक नंबर टिप्पणी जो है कर रहे हैं आत्ममाया, एक नंबर टिप्पणी देखिए अत्रैव प्रकरणे दशम कारिकाया उक्तम। इसी प्रकरण में दशम कारिका को देखो वहां से क्या कर आया। आत्ममाया विसर्जित इसके यहाँ पे बोल कर आया संघाता स्वप्न वत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिता आधिक्य सर्वसाम्ये मानव उपपत्ति विदितः। शंका क्या हुई थी वहाँ पे? अरे आप देवता शरीर को मिथ्या बोलते हो, ये कैसे हो सकता है? देवता शरीर कितना अच्छा है, तेजस पूर्ण से भरा हुआ है। बोलता है जो पंच भूत से बना हुआ जो देवता शरीर होता है, जो भी शरीर हो सब एक ही कैटेगरी है, उसमें आधिक को अच्छा है बुरा ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाकाश की भेद हो गया जैसा, इसी प्रकार आत्मा में भेद की प्रतीति होती है। घटाकाश की उत्पत्ति से जैसे महाकाश में भेद प्रतीति होता है, इसी प्रकार जीवाना उत्पत्ति भेदादि दिया। उत्पत्ति से जो भेद निकल पड़ता है, इसी प्रकार से जीवाना उत्पत्ति भेदादि जीवाना उत्पत्ति से आदि शब्द से क्या है? उत्पत्ति में भेद क्रिया में भेद जन्म में इसलिए यहाँ पे जो है केवल मात्र उपाधि की उत्पत्ति होती है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। और उपाधि की उत्पत्ति से जैसे आकाश में भिन्नता की प्रतीति होती है, इसी प्रकार आत्मा में भी भिन्नता की प्रतीति वास्तविक नहीं है। इत एव उत्पत्ति भेदादि श्रुति आकृष्य यह पुनः उत्पत्ति श्रुति नाम ऐतांपर्य प्रतिपाद विषया उपन्यास। जब एक बार बोलता है कोई दोबारा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं वहां पर सृष्टि स्तुति का तात्पर्य जो आपको समझ में नहीं है इसको संभव है। इत एव इस कारण से ही उत्पत्ति भेदादि श्रुति आकृष्य
उत्पत्ति के तरह में भेद दिखाई दे रहा है, उस श्रुतियों से आकर्षण का उठा करके निष्कर्ष यहाँ के पुनः उत्पत्ति श्रुतिना वो उत्पत्ति श्रुतियों का सृष्टि श्रुतियों का ऐदम पर्य श्रुतिना ऐदम पर्य पिपाद ईशया ऐदम पर्य प्रतिपिपाद ईशया यहाँ तक ये प्रतिपादन करना चाहते हैं। ऐदम पर्य मतलब यहाँ तक कहाँ तक एक प्रतिपादन करने की इच्छा से तो आपने वहाँ पे क्या बोल कर गया क्यों उसको दिखाया फिर आगे क्या बोलने सब को जब विचार करेंगे तब सृष्टि स्थिति की तात्पर्य निकलती है। आप केवल एक जगह सृष्टि स्थिति के ऊपर तो वहीं पे छोड़ देंगे उसका आगे कैसे उपक्रम किया था आगे क्वेश्चन कर क्या करना है उसको अभ्यास करा कर नहीं देखेंगे सृष्टि स्थिति का तात्पर्य नहीं निकल सकते। इसलिए सृष्टि स्थिति के साथ ऐदम पर्य प्रतिपिपाद ईशय मतलब आगे से लेकर के पीछे तो प्रतिपादन करने की इच्छा से दोबारा वो प्रश्न के रखा गया। फिर आगे क्या बोलते हैं कैसे रखेंगे यहाँ पे मृल लोह निष्कुले गाली मृल लोह निष्कुले गाली दृष्टान्त उपन्यासे मृतिका रोहा निष्कुले गाली दृष्टान्तों को भूमिका बनाकर के आश्रय लेकर के सृष्टि या चुलिता मतलब प्रकाशिता अन्यथा च अन्यथा प्रकाशित भिन्न प्रकाश से प्रकाशित किया गया च सर्व सृष्टि प्रकार जी परमात्मा एकत्व बुद्धि अवतार उपाय अस्मको सारा हमारा एक ही प्रयास है। क्या प्रयास है जीवात्मा परमात्मा एकत्व बोध जीव के अंदर उत्पन्न हो जाए इसलिए बोलता है तो अन्यथा ये देखो चकार दोबारा आ रहा है मतलब चकार दोबारा दिया जाए अन्यथा कहते चकार को अन्वय करने के लिए सर्व सृष्टि प्रकार हर प्रकार की जो सृष्टि का हमें वर्णन किया गया है जीव परमात्मा एकत्व बुद्धि अवतार है जीवात्मा और परमात्मा की एकत्व बुद्धि को अवतारण करना हमारे बुद्धि में बैठाने को उपाय अस्माकम वो एक हम लोगों के लिए एक उपाय माना गया। अब देखिए आप देख दृष्टान्त तो दे रहा है दृष्टान्त तो दे रहा है कि उनकी विद्या प्राण संवाद शांतत्व में भी है आप ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय तृतीय पद को माना वहाँ एक अन्नथत्व अधिकरण माना है तो वहाँ भी सारा कथा एक प्रकार की है परंतु दोनों विद्या एक ही विद्या है क्या शंका होता है वहाँ पे गुण प्रशंका होगा वहाँ पे गुण प्रशंका नहीं होगा। तो ये उद्गीत विद्या जो छात्र उपनिषद में कहा गया उद्गीत विद्या जो वेदांत उपनिषद क्या एक कर्म दुष्ट जगह की प्रशंसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता नहीं किया जा सकता है अन्यथा तो देख करती हूँ वहाँ पे एक जगह के उद्गीत को कर्ता बनाया एक जगह के उद्गीत को कर्म बनाया एक वेदांतारी और वहाँ पे छात्र हम उपासना चक्रे ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय तृतीय पाद के तीसरा या चौथा अधिकरण तीसरा अधिकरण संभव तृतीय अध्याय तृतीय पाद के तीसरा अधिकरण को लेकर एक अवमान अनुपसंहार अधिकरण तो दोनों जगह पे दोनों एक ही प्रकार वहाँ पे बाकी सारा एक है मतलब आपस में लड़ना फिर निकल जाना फिर आपको अशुद्ध करना आपकी तरह देवी हो जाना सारा ही एक है परंतु वहाँ के उपक्रम में भिन्नता एक जगह बुद्धि को कर्ता बना है देवता की भिन्नता होने के कारण रूप की भिन्नता ने गए उपासना भिन्न है उसमें कोई शंका नहीं हो सकता। तो देखिए दोनों जगह पे अलग अलग प्रकार के कथन होने पर भी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा इंद्रियों को प्रतिपादन करना वहाँ तो अभिप्राय में ऐसा ही है प्राण सृष्टि प्राण उपासना श्रेष्ठ है अंतर में इंद्रियों की उपासना की तुलना में प्राण उपासना श्रेष्ठ है। इसको समझाने के लिए एकदम कन्फर्म आते जाए क्योंकि आपको जब तक समझ में नहीं आएगा कि वहाँ पे अभिप्रेय करते क्या है वह उद्गीत विद्या में प्राण उपासना को मतलब प्राण उपासना श्रेष्ठ है इसको पसंद करने के लिए ऐसा जो है लड़ाई झगड़ा की मतलब देवताओं में आपस में लड़ाई होगा आपस में नए श्रेष्ठ उनका विवाद करने लग गया सब जो वहाँ पे कथन है उसके साथ कर आप बताओ दीदी उपासना के द्वारा मन को शांत करना चाहते हैं और उपासना के समय आप लड़ाई झगड़ा के चिंतन करोगे तो मन शांत होगा फिर इसलिए उसमें तात्पर्य नहीं है तात्पर्य यह है प्राण निश्चात होकर के काम करते हैं मेरे शरीर है ना इसलिए प्राण ज्येष्ठ है श्रेष्ठ प्रकार की उपासना करते हैं या था उसको निष्ठांत को देखा तो ठीक है अभी भी लगे क्यों मतलब शब्द तो एक प्रकार के कथन किया लग रहा है दोनों में एक ही परंतु दोनों में अलग अलग कथन मतलब देवता के रूप अलग दिखा इसलिए वहाँ उपासना नहीं हो सकता परंतु तात्पर्य दोनों में एक जगह पे है दोनों सूर्य का तात्पर्य एक ही है क्या प्राण की श्रेष्ठता को प्रतिपादन प्राण की श्रेष्ठता को प्रतिपादन इसलिए होता है
यथा प्राण संवाद आदि इस प्रकार करेंगे। दूसरा नंबर पहला किया था ृतमृतमूतहेतो गस्तं पुच्छाभि पुच्छं परं गुरुं आदपाते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः। Thank you.